एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रेमिका से मिले धोखे के बाद युवक ने फेसबुक पर किया लाइव सुसाइड, कोई नहीं आया बचाने। राजस्थान में एक युवक ने प्यार में मिले धोखे के बाद अवसादग्रस्त एक युवक ने रविवार रात को आत्महत्या कर ली। मामला अलवर जिले के बरोड़ थाने क्षेत्र के बरदोड़ कस्बे का है। यह रविवार देर रात युवक निर्मल वर्मा ने सुसाइड से पहले फेसबुक पर लाइव वीडियो में आप बीती बातें हुई, कहा कि दोस्तों कभी किसी से प्यार नहीं करना, प्यार में धोखा है। और इस लाइव के दौरान ही उसने खुद को फंदे से लटका कर सुसाइड कर ली। अल्ट्रासाउंड में आई दो बच्चे की रिपोर्ट, लेकिन माँ को मिला सिर्फ एक नवजात। अलीगढ़ के मोहनलाल गौतम महिला जिला अस्पताल में बच्चे की तस्करी का बड़ा मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। मामले में CMS के खिलाफ 15 जून को मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि हेमंतपुर की रहने वाली गर्भवती महिला संगीता को डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया था। महिला के परिजनों का कहना है कि 15 दिन पूर्व महिला का अल्ट्रासाउंड कराया गया। अल्ट्रासाउंड में दो बच्चों की रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके बाद महिला को यहां भर्ती कराया गया। लाखों के गहने घर से ले जाने वाली दुल्हन पहुंची सालकों के पीछे। अजमेर रामगंज थाना जांच अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि शिकायतकर्ता नरेश कुमार ने यह मामला थाने में दर्ज किया है। उन्होंने कहा, नरेश कुमार के अनुसार उसकी शादी ब्यावर की रहने वाली माया मनसुखिया से हुई थी, लेकिन कुछ दिनों बाद लड़की ने झगड़े का माहौल बना दिया था। इसके बाद बात बढ़ी और वह अपने पियर चली गई। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।